का भी जमीर है वो तुरंत रद्द करे परीक्षा, यही हम लोग का मांग है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को रख रहे हैं, कृपया हमारी बातों को सुना जाए। यूपी में पेपर लीक को लेकर लगातार छात्र सड़कों पर थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांगे थी कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो छात्रों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में पेपर लीक के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो एक अच्छी खबर छात्रों के लिए है कि जो उनकी मांगे थी कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, तो योगी सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। आया हूँ सर सुबह 5:45 मेमो से, यही राम राज्य है। एक साल से सुबह से 8 बजे से लेके रात में 8 बजे लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है, आज तक दाल फ्राई करके नहीं खाया हूँ, नमक डाल दिया हल्दी डाल दिया दाल बन के खा रहा हूँ, केवल एक सपना था कि वर्दी लूंगा, लेकिन अब बताइए क्या मुँह लेके घर पे जाऊँ। देश के करोड़ों नौजवान कड़ी मेहनत करते हुए अपने आँखों में सपने सजोते हैं, ये सपने केवल उनके ही नहीं बल्कि उनके बूढ़े माँ बाप के भी होते हैं। वो माँ बाप जो आधा पेट भोजन करके 4 पैसे बचाकर अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाते हैं कि एक दिन उनका बेटा नौकरी करेगा और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और अपने बीवी बच्चों को पालेगा। जरा सोचिए, देश के करोड़ों नौजवानों का वो सपना जब चकनाचूर हो जाता है तो उन पर क्या बीतती होगी, क्योंकि इस दर्द को वही समझ सकता है जिस पर बीत रही हो। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, गलती किसकी है और समस्या का समाधान कैसे होगा और ये सिलसिला कब थमेगा। आइए जान लेते हैं कुछ और छात्रों का दर्द। बड़ा सामान्य सी मांगे हैं हम लोगों की सरकार से और लोक सेवा आयोग से कि इतने बड़े स्तर पे पेपर आउट हुआ और उसका संज्ञान ही नहीं ले रही है, और ना तो आगे सांत्वना दे रहे हैं कि री एग्जाम होगा, जबकि लड़के सारे साक्ष्य देने को तैयार हैं, हर तरीके का, और डिमांड मात्र हम लोगों की इतनी हो कि री एग्जाम हो और चुनाव में यहाँ कोई मामला ही नहीं, पॉलिटिकल बात ही नहीं है। और सरकार से इतना ही कहना है, आप अगर लेखपाली का एग्जाम कराते हो, नलकूप का एग्जाम कराते हो तो नियुक्ति पत्र बांटते हो, मतलब छोटा भी एग्जाम हो तो नियुक्ति पत्र बांटते हो, लेकिन इतनी बड़ी धांधली यहाँ हुई आरओएआरओ में और सेकंड पुलिस में भी इतनी बड़ी धांधली हुई, और आप कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं, सब शांति से निपट गया। हम लोगों का मात्र इतना ही डिमांड है कि हम लोग इतना मेहनत करके स्ट्रगल करके किस तरीके से यहाँ रहते हैं, तैयारी करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं एग्जाम के लिए, पेपर यहाँ लीक हो चुका है। ये सबने पेपर आउट हो चुका है मछली सेक्टर का यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है, हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है, सारा पेपर खुला था आरओ के सामने, पेपर सारा प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। अध्यक्ष महोदय से जो बाहर निकल के आए और परीक्षा को रद्द करें और री एग्जाम तिथि की घोषणा करें, यही उनसे करबद्ध निवेदन है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो ये युवा एकदम बर्बाद हो जाएंगे, उनके अंदर अगर जरा सा भी जमीर है वो तुरंत रद्द करें परीक्षा, यही हम लोग का मांग है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को रख रहे हैं, कृपया हमारी बातों को सुना जाए। इसी मसले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जब छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देने लगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जांच में भी जुट गई है। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर यूपी पुलिस का क्या कुछ कहना है। पुख्ता व्यवस्था है और सुचारू रूप से परीक्षाएं चल रही हैं, तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाने की कोशिश की थी और उसमें उन लोगों ने पुरानी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र लोड किए थे, तो उसको गिरफ्तार किया गया है जनपद जौनपुर में। और 15 गिरफ्तारियाँ हुई आज सुबह हुई है। कितने लोग गिरफ्तार? वहाँ अभी सब लोग ऐसे पकड़ लिए गए हैं पूरा गैंग, और उस पर कानूनी प्रक्रिया हो रही है। 15 तारीख के बाद से आज सुबह तक ऐसे 22 लोगों को जो कि
तरह तरह के अफवाहें फैला के या लोगों को बहला फुसला के पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। आज अभी तक दो ऐसे इम्पर्सोनेशन के केसेस जिसमें कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के, मतलब कि किसी व्यक्ति के जगह पे दूसरा व्यक्ति देता है, वो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और पूरे प्रदेश में परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। सर, पीएम का विजिट भी है, उसको लेकर चुनाव करने भी गए थे। वो तो सभी कार्य चल ही रहे हैं इसमें, और वो परीक्षा हमारी कल ख़त्म हो जाएगी। लगभग 12 लाख अभ्यर्थी प्रतिदिन प्रति पाली में हैं, तो लगभग 48 लाख से ऊपर कुछ लोग हैं और 2500 से ऊपर हमारे कक्ष हैं, परीक्षा केंद्र हैं, और प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। शासन की जो शीर्ष प्राथमिकता है कि भर्तियां साफ़ सुथरे और स्वच्छ तरीके से कराई जाएं, इसके लिए सभी लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। और जो आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए मेरिट ही जो है योग्यता के आधार पर ही सबको काम मिलेगा। जांच पड़ताल तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे देश की एक खासियत है, मुद्दा कोई भी हो सियासत होना ज़रूरी है। और ऐसे में पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सियासत ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट का क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की परिभाषा है। 50 लाख नौजवानों ने अपना भाग्य आजमाया, 60,000 भर्ती, 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले पेपर आउट हो गया। पुलिस भर्ती के नौजवान लखनऊ में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। आरओ के नौजवान लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के आगे धरना दे रहे हैं। आप देखिए ना, ये जेई यूपीएसएससी एग्जाम 2018, ये नौजवान 2018 परीक्षा दिए, आज तक इनका परीक्षा परिणाम नहीं आया। ये 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुआ, वो नौजवान वहाँ धरने पर बैठे हैं, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान जो 6800 जो दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकार के साथ धोखा किया, आरक्षण के नाम पर आज वो बीजेपी कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। कल केशव मौर्य जी के कार्यालय पर बैठे हुए थे धरने पर। ऐसे तमाम पेपर लीक होना इस बात का गवाह है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने अगर कुछ कहा और अखिलेश यादव का बयान नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? मामला है उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य का। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी काफी कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में ही खोट है। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी सुनिए। मैं भी हाल में एटा आया था जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पर जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। मैं मेरठ गया, वहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुझे दिखाई दिए, मुजफ्फरनगर में थे वो मेरठ के बच्चे। अभी मुरादाबाद गया मैं, वहां बच्चे मिले मुझे। जो तस्वीरें आ रही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, या आपका महोबा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हो। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो ये कहा जा सकता है कि जब उनके शासनकाल में पेपर लीक हुआ तो उनकी सरकार चली गई। केवल राजस्थान की ही बात नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में देश की संसद में कानून भी बन चुका है, लेकिन सवाल फिर वही कि लगाम क्यों नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नकल के आरोप में घिर गया है। आरोप एसआरओ की परीक्षा हो या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा, दोनों ही मामलों में पेपर लीक और नकल के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर
व्यापक स्तर पर लीक होने पर आरोप लगाते हुए भारी संख्या में छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो वही पुलिस भर्ती में भी राज्य के कई स्थानों पर पेपर लीक होने और परीक्षा में गड़बड़ी करने के मामले सामने आए हैं। खबर के मुताबिक पुलिस भर्ती परीक्षा भी अब दोबारा आयोजित की जाएगी। हालांकि वह दिन दूर नहीं जब नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। अब तक ऐसे किसी कानून का अभाव था, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइटों जैसी अन्य गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के संबंध में लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 पास कर दिया है। अब अगर राज्य सरकारें ईमानदारी से नकल माफिया के खिलाफ नकेल कसेंगी तो उनके पास मजबूत कानूनी आधार है जिसके जरिए वो नकल माफियाओं पर नकेल डाल सकती है। हालांकि शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आगे बढ़कर पहल की और विधेयक पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक होने या नकल करने जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसलिए जरूरी है कि परीक्षा की प्रणाली की कमजोरी का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिलती रही है। ऐसी घटनाओं से न केवल परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता में कमी हुई है, बल्कि छात्रों के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ के पद की रिक्तियों के लिए आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए 10,69,725 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया, इसलिए पुलिस भर्ती परीक्षा में भी राज्य के 22 स्थानों पर गड़बड़ियां पकड़ी गई। राज्य पुलिस ने कई स्थानों पर लोगों की धरपकड़ भी की। पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं वर्षों से समाज के लिए चिंता का विषय है। ऐसे मामले किसी भी राष्ट्र की शिक्षा और शिक्षा नीति की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। पेपर लीक होने से शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, वहीं लोगों के मन में शिक्षा प्रणाली के प्रति भरोसे में कमी आती है। शिक्षा जगत का यह संकट मूलतः विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विधेयक के उद्देश्य में लिखा है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण देरी होती है और परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो राज्यों में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं की वजह से कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। पिछले साल राजस्थान में एक दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के चलते शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हरियाणा में ग्रुप डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ऐसे ही राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक होने के कारण अनेक परीक्षाएं दोबारा करवानी पड़ी। झारखंड के बारे में प्रतियोगी छात्रों की राय है कि वहां कोई भी परीक्षा एक बार में संपन्न नहीं होती। कई बार तो खुद राज्य सरकार की मशीनरी परीक्षा के लिए रुकावट डालने के लिए आगे आ जाती है। कई राज्यों में पेपर लीक करने, परीक्षाओं में गड़बड़ी करने आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने कानून पहले से ही बनाए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ अभी तक कोई ठोस प्रभावी कानून नहीं थे। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए नकल विरोधी कानून पहले से बना हुआ है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था। बाद में बेरोजगार युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करते हुए आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया। गुजरात राज्य में भी इस समस्या से निपटने के लिए कानून बने हुए हैं, परंतु कठोर एवं प्रभावी कानून के अभाव में पेपर लीक होने की घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अधिकतर राज्य चाहते थे कि केंद्र सरकार एक सख्त कानून लेकर आए ताकि सभी राज्य उसके दायरे में हों और पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने वाले माफियाओं पर अंकुश लग सके। उम्मीद की गई है कि आदर्श मसौदा मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा, इसलिए कानून में ढेर सारे कठोर प्रावधान शामिल किए गए। कानून में असली परीक्षार्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने का दोषी पाया गया तो उसे 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी छात्र या व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। साथ में 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है।
इसके अलावा किसी भी गड़बड़ी में यदि परीक्षा केंद्र की भूमिका पाई गई तो उस केंद्र को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने में मिली भगत पाए जाने पर परीक्षा एजेंसी पर भी 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता है तो उससे परीक्षा का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा, उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यदि सरकारी अधिकारी इसमें शामिल पाए गए तो उन्हें भी अपराधी माना जाएगा। कानून के तहत बिना किसी वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार है। गड़बड़ी के आरोपी अधिकारियों के साथ कड़ाई बरती जाएगी और उनके द्वारा कारित अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या फिर सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। परीक्षार्थियों को इस कानून से अलग रखा गया है, वह इसके दायरे में नहीं आएंगे और न ही किसी अभ्यर्थी का उत्पीड़न होगा। इस कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो परीक्षा की पारदर्शी प्रणाली से छेड़छाड़ करेंगे। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पेपर लीक के मामलों में उच्चतम शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा को जो क्षति पहुंची है वह फिर से स्थापित होगी। योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर छात्रों को विषय पढ़ने, रोजगार का विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब नागरिकों को इस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में नकल एक उद्योग की तरह फलता फूलता जा रहा है। खासतौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तो बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल माफियाओं द्वारा बाकायदा रेट तय किए जाते हैं। इसलिए भी कानूनी पहलू से इतर नैतिक रूप से जागृत होकर हमें इसे अपने भीतर लागू करना होगा, तभी यह कानून ज्यादा सार्थक, असरदार और स्थायी होगा, तभी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट। अगर पेपर लीक मामले की बात करें तो ये बेहद ही संवेदनशील मसला है। देखा जाए तो देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का मामला है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? क्योंकि संसद में कानून भी बन चुका है। ऐसा क्यों है कि जो आरोपी हैं उनमें राज्य सरकारों का खौफ नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है कि उनको बिल्कुल डर नहीं है? और यही वजह है कि जो छात्र हैं सपने लेकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि एक दिन वो पुलिस ऑफिसर बनेंगे। यूपी की अगर बात करें तो जिस तरीके से पुलिस भर्ती मामला सामने आया और उसके चलते भारी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी मांगों को माना जाएगा। छात्रों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि राज्य सरकार दोबारा पुलिस भर्ती की परीक्षा का आयोजन करवाए, क्योंकि छात्र जो है काफ़ी तैयारी कर चुके थे। तो ऐसे में छात्रों का ये कहना है कि उनकी गलती कहाँ है, वो तो तैयारी करके आए थे, एग्ज़ाम देना चाहते थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन उससे पहले पेपर लीक हो गया। तो ऐसे में उनकी गलती कहाँ पर है? राज्य सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जांच करनी चाहिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और जो भी आरोपी पाया जाएगा, जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा? आखिरकार इस मसले पर लगाम कैसे लगेगा और देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? और ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार है कौन?